हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, इंडियन एयरफोर्स द्वारा एक रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन रिलीज करी गई थी, जिसके अंतर्गत एयरफोर्स को मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रिक्योर करने हैं 40 से 80 के बीच में, जिसके अंतर्गत 26 टन क्लास कैटेगरी के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के रिक्वायरमेंट को सामने रखा गया था। तो ये मानकर चला जा रहा था कि ये जो ट्रांसपोर्ट प्लेटफॉर्म्स हैं, ये इंडियन एयरफोर्स की सर्विस से AN-32s को रिप्लेस करेंगे और हमारे लिए ये कैटेगरी शिफ्ट होगा। पर एक इंटरव्यू हाल ही में आया है हमारे एयर चीफ मार्शल का, जहां पर उनके द्वारा एक इंटरेस्टिंग बात कही गई है, जिसके पास से जिस तरीके से हम MTA को देख रहे थे, अब वो नज़रिया बदला है। तो हमारे एयर चीफ मार्शल द्वारा ये चीज़ कही गई है कि ये जो मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट एयरफोर्स प्रिक्योर करना चाहती है, ये खाली AN-32s को रिप्लेस नहीं करेंगे, बल्कि IL-76 को भी रिप्लेस करेंगे। तो जो IL-76 के रिप्लेसमेंट के तौर पर C-17 की प्रोडक्शन लाइन ओपन करने की बात चल रही थी, उसके बाद हमने ये भी बोला था कि US का नेक्स्ट जनरेशन एयरलिफ्ट प्रोग्राम चल रहा है, जिसके अंतर्गत C-17 की कैटेगरी में ट्रांसपोर्ट प्लेटफॉर्म्स को बनाया जा रहा है, जहाँ पर हम ज्वाइन कर सकते हैं और अल्टीमेटली IL-76 का रिप्लेसमेंट वहाँ से आ सकता है। पर अब ये इररिलेवेंट हो जाता है, कम्प्लीटली इरेलीवेंट नहीं है, पर IL-76 के रिप्लेसमेंट के तौर पर हम इस डायरेक्शन में सोच नहीं सकते। और ये थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि IL-76 जिस तरीके की लिफ्टिंग कैपेबिलिटी प्रोवाइड कराता है, वो एक 26 टन क्लास कैटेगरी का प्लेटफॉर्म नहीं करा सकता। तो उस प्लेटफॉर्म से कैसे रिप्लेस करने की कोशिश करी जा रही है, ये समझ पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि क्लास अपग्रेड होना समझ में आ रहा है, पर यहाँ पर जो लिफ्टिंग कैपेबिलिटी है उसको डिग्रेड किया जा रहा है। ऑल्दो नंबर्स बढ़ाए जा रहे हैं, पर कैपेबिलिटी जो है वो लैक होगी। एग्जांपल के तौर पर, अगर आप लाइट टैंक्स को एयरलिफ्ट करना चाहते हैं इन प्लेटफॉर्म से, जिनकी मैक्सिमम कार्गो कैरिंग कैपेसिटी 27 टन की है, वो भी हायर एल्टीट्यूड पर, तो आपको परेशानी हो जाएगी। ये काम IL-76 बड़ी आसानी से कर पाएगा, पर अगर आप C-390 से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये एक परेशानी का सबक बन सकता है। बाकी हरक्यूलिस तो ये कर ही नहीं पाएगा। हाँ, यहाँ पर एयरबस A400 ये काम कर सकता है। तो इस एग्जांपल से हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर हम MTA में IL-76 का भी रिप्लेसमेंट देख रहे हैं, तो एयरबस के A400 की दावेदारी यहाँ पर मजबूत होती है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि गिवन मैक्सिमम कार्गो कैरिंग कैपेसिटी रिक्वायरमेंट को एक्सीड करता है। यहाँ पर 27 टन की मैक्सिमम कार्गो कैरिंग कैपेसिटी मांगी गई है, वहीं पर एयरबस A400M इससे 10 टन ज़्यादा, यानी कि 37 टन कैरी करने में सक्षम है। तो अभी तक जो इंडियन एयरफोर्स ने MTA के रिक्वायरमेंट सामने रखी है, इसमें तीन प्लेटफॉर्म मुख्य तौर पर सामने आए हैं। पहला जो है, ये एम्ब्रेयर का C-390 है, जिसने हाल ही में महिंद्रा के साथ पार्टनरशिप करी है, और ये महिंद्रा के साथ मिलकर ही इस प्लेटफॉर्म को MTA के अंतर्गत पिच करेंगे और इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगे, अगर सेलेक्ट होता है तो। दूसरा जो है, ये लॉकहीड मार्टिन है। लॉकहीड मार्टिन द्वारा भी एक लोकल इंडियन पार्टनर को देखा जा रहा है, जिसके साथ ये अपने C-130 J-30 सुपर हरक्यूलिस को पिच करेंगे, जिसको लेकर अभी सिंगापुर एयर शो में ही अपडेट आया है। तो यहाँ पर जो पार्टनर है, ये मोस्ट लाइकली टाटा हो सकता है, क्योंकि टाटा के साथ लॉकहीड मार्टिन का जो टाई अप है, ये पहले से है। इवन जो F-21 फाइटर MRFA के अंतर्गत पिच किया जा रहा था, ये टाटा और लॉकहीड मार्टिन मिलकर कर रहे थे। वहीं पर बात करें तीसरे कंटेंडर की, तो ये एयरबस है, जिन्होंने अपने A400M एयरक्राफ्ट को पिच किया है। तो एयरबस का ये जो प्रपोजल है, ये पिछले साल जुलाई में ही आ गया था, पर अभी तक एयरबस ने ये क्लियर नहीं किया है कि इनका लोकल पार्टनर कौन होगा। तो एयरबस की फिलहाल के लिए जो पार्टनरशिप है, ये टाटा के साथ ही चल रही है, जिनके साथ ये मिलकर C-295 एयरक्राफ्ट को बना रहे हैं, जो कि इंडियन एयरफोर्स को सप्लाई हो रहे हैं। पर अगर लॉकहीड मार्टिन द्वारा टाटा के साथ पहले ही पार्टनरशिप कर ली जाती है, तो एयरबस को एक नया पार्टनर देखना पड़ेगा। खैर, अभी इसमें समय है इंडियन एयरफोर्स द्वारा AN-32s और IL-76 को रिप्लेस करने के लिए। अगले दशक की शुरुआत देखी जा रही है, जो कि 2030 के बाद ही है। तो पहले जब AN-32 के रिप्लेसमेंट की बात चल रही थी, तो सबसे अच्छा कंटेंडर जो है, ये एम्ब्रेयर का C-390 नज़र आ रहा था, क्योंकि वो इंडियन एयरफोर्स की जो रिक्वायरमेंट रखी गई है, उसमें एग्जैक्टली फिट हो रहा था। साथ ही साथ प्राइस के मामले में, ये C-130 J-30 सुपर हरक्यूलिस को चैलेंज करते हुए कैरिंग कैपेसिटी को ज़्यादा रखता है। तो क्लियर एच C-390 को C-130 J-30 पर मिल जाता है। लेकिन अब क्योंकि IL-76 के रिप्लेसमेंट की बात भी चल रही है, और क्योंकि हम लाइट टैंक जैसे प्रोग्राम पर भी काम कर रहे हैं, तो ज़्यादा कार्गो कैरिंग कैपेसिटी हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो कि एयरबस A400M को फेवर करती है। पर यहाँ पर जो एयरबस का प्राइस है, ये बहुत ज़्यादा है,
और ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर इसलिए भी बन जाता है क्योंकि नंबर रिक्वायरमेंट भी यहाँ पर ज़्यादा है जो कि 40 से 80 के बीच में है। तो ओवरऑल जो एक्विजिशन कॉस्ट है ये काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। प्राइस डिफरेंस की बात करें तो एक हमने वीडियो बनाया था जहाँ पर 2021 के प्राइसेस को हमने कंपेयर किया था, तो C390 का जो प्राइस है ये 85 मिलियन डॉलर्स के अप्रॉक्स का था। वहीं पर इसके कंपैरिजन में जो एयरबस A400M का कॉस्ट है ये 145 मिलियन डॉलर्स के आसपास पहुँचता है, जो कि इसका दुगुना तो नहीं है पर ऑलमोस्ट कह सकते हैं। वहीं पर हरकुलिस का कॉस्ट भी आपको 85 मिलियन डॉलर्स के आसपास का पड़ जाता है, बट अगेन ज़्यादा प्राइस में आपको ज़्यादा कैपेबल प्लेटफॉर्म भी मिल रहा है। बाकी कंक्लूजन में हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि भले ही इंडियन एयरफोर्स द्वारा MTA प्रोग्राम के अंतर्गत IL-76 के रिप्लेसमेंट को देखा जा रहा है, पर हैवी कैटेगरी में भी जो ट्रांसपोर्ट प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट है इंडियन एयरफोर्स की ये एग्जिस्ट करेगी और IL-76 के जाने के बाद ये और भी ज़्यादा खलेगी। इसलिए वीडियो के स्टार्टिंग में हमने ये चीज़ कही कि IL-76 के रिप्लेसमेंट के तौर पर जो हमने C-17 की प्रोडक्शन लाइन ओपन करने की बात कही, उसके बाद एयरफोर्स USAF के साथ इनके NGAL प्रोग्राम में पार्टनर बन सकती है ये बात कही, ये इरेलेवेंट हो जाती है। पर एयरफोर्स की हैवी लिफ्ट कार्गो प्लेटफॉर्म के रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट करेगी, इसीलिए ये उस रिगार्ड में इरेलेवेंट नहीं है। आज अगर C-17 ग्लोबमास्टर 3 की प्रोडक्शन लाइन चालू होती तो अच्छी खासी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती कि जो IL-76 है इनको C-17 से ही रिप्लेस किया जाता, पर अभी क्योंकि वो ऑप्शन नहीं है इसलिए MTA के रूट के थ्रू इसे करने की कोशिश करी जा रही है। पर वहाँ भी चीज़ कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप 2017 क्लास कैटेगरी का ट्रांसपोर्ट प्लेटफॉर्म लेते हैं तो जैसा कि हमने डिस्कस किया लाइट टैंक को कैरी करने का जो इशू है वो यहाँ पर उठकर सामने आ जाएगा। IL-76 ये काम कर सकता है पर वो प्लेटफॉर्म नहीं कर पाएगा, और वहीं पर ऐसे इशू को एड्रेस करने के लिए आप एयरबस A400M को लेते हैं तो आपको ज़्यादा प्राइस पे करना पड़ेगा, और ये ज़्यादा प्राइस ऑलमोस्ट 50 मिलियन डॉलर पर पीस है जो कि इस पूरे एक्विजिशन प्रोग्राम को बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव बना देगा। तो चीज़ें यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड है, और ये पहला ऐसा कॉम्पिटिशन नहीं है जहाँ पर चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड है। इवन जो MRFA कॉम्पिटिशन है यहाँ भी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड है। वहाँ सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ट्विन इंजन प्लेटफॉर्म भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, स्टेल्थ प्लेटफॉर्म भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो बेसिकली आप कौन से ऐसे पैरामीटर्स रखोगे जहाँ पर कॉम्पिटिशन हो पाए, तो यहाँ पर आप फेयर डिसीजन किस बेसिस पर लेंगे। MTA प्रोग्राम में अगर आप प्राइस देखते हैं तो एयरबस A400M बाहर हो जाता है, अगर आप कैरिंग कैपेसिटी देखते हैं तो हरकुलिस और C390 दोनों बाहर हो जाते हैं। आप इन प्लेटफॉर्म से ऐसे दो प्लेटफॉर्म रिप्लेस करना चाहते हैं जिनकी मैक्सिमम कार्गो कैरिंग कैपेसिटी 9 टन की है और फिर सीधे 50 टन की है। इसमें जो 9 टन कार्गो कैरिंग कैपेसिटी वाली प्रॉब्लम है इसको आप मीडियम कैटेगरी के ट्रांसपोर्ट प्लेटफॉर्म से एड्रेस कर सकते हैं क्योंकि वो ज़्यादा कैरी कर रहा है, पर क्या आप 50 टन की रिक्वायरमेंट को 27 टन की कैरिंग कैपेसिटी से एड्रेस कर सकते हैं। खैर MRFA के साथ क्या चल रहा है ये हम जानते हैं, होपफुली MTA प्रोग्राम के साथ ये ना हो। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।